कि क्या आप पुराने जहालत के साथ रहना चाहते हैं, पुरानी सदियों के वैशीपन के साथ रहना चाहते हैं, या मॉडर्न होना चाहते हैं? अब आपको याद होगा प्रतीक जी कि सती की प्रथा होती थी, चाइल्ड मैरिज की प्रथा होती थी, हिंदू समाज ने आगे बढ़ते हुए एससी उनको एसटी पर खत्म जोर हो किया रहा और है, मॉडर्निटी की ओर बढ़ा। पर जो लोग आज भी मॉडर्निटी एससी एसटी के पर नाम जोर हो पर, रहा देखिए है, खुद तो टीवी पर आ आर्मी को जाएंगे, मारा पर काटा जा कौम रहा आगे ना है। बढ़े, और हिंदुओं को बार बार इस डिबेट में, प्रतीक जी मैं देखिए 10 सेकंड 15 सेकंड बोलता हूं, मैं किसी के हाँ बीच में नहीं बोलता, मैं जी, इस तरीके की चीखम नहीं चिल्ली नहीं आप वाली और बोलिए, उसके तालिबान बाद की डिबेट नहीं इलियास चाहता। बोलेंगे। मैं अपनी बात रखूंगा, उसके हाँ बाद उसके बाद इलियास इलियास बोलेंगे शराफुद्दीन तालिबान का पक्ष रखे। जी, नहीं आप तालिबान का पक्ष, मैं इस्लाम हाँ, का, मैं इंसानियत का सिर्फ पक्ष इतना कहना रखूंगा चाहता हूं कि क्यों आज आप जी। तालिबान का पक्ष रख रहे हैं और इंसानियत और तालिबान में कोई आप मेल आज नहीं तक है, क्या तो आतंकवाद आप का पक्ष तालिबान रख का रहे पक्ष रख हैं, सकते हैं, पर नो बीसी नो की नो बात नो, बाद में। इलियास इलियास जी इलियास, देखिए एक बात आगे। सुनिए, नो 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 नो, डिबेट जी जी डिबेट रोक, मैं डिबेट रोक रहा हूं, मैं देखिए, डिबेट रोक रहा हूं। इलियास आप बार बार किसी संगठन का नाम ले रहे हैं और किसी संगठन को बार बार आप डेरोगेटरी वर्ड्स बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं देखिए है। कोई इससे सातवीं इससे सदी परहेज का नाम करिए, बार बार ले रहा इससे है और परहेज करिए, सातवीं इससे सदी को गुरेज वैशी पर करिए। कह रहा है, मैं उनको एससी भी मना एसटी कर रहा पर हूं, जुल्म मैं करने उनको वाले, भी मैं उनको शहजादपुरा जवाब वाला, दे रहा हूं। शहजादपुरा वाला, वो तालिबान के प्रवक्ता नहीं है, वो अपनी बात कहने के लिए यहां पे आए हैं, ना वो तालिबान के प्रवक्ता नहीं, लेकिन आप भी इससे गुरेज करें, लेकिन बचे। बात तो, जी बात तो आगे बढ़े, तालिबान वाली करते ना। अच्छा जी आगे बढ़े, नहीं, अब मुझे एक बात बताइए, एक सेकेंड मुझे एक जी बात बताइए, अगर मैं तालिबान की सोच, तालिबान की आतंकवाद और तालिबान के वैशीपन जिसपे नसीरुद्दीन शाह ने विश्लेषण किया उस पर बोल रहा हूं, तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या तालिबान से इनका कोई रिश्ता है? अगर ना हो तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? दूसरी कोई बात, रिश्ता मेन है बात, क्या आपके, मेन आरएसएस बात के सिर्फ इतना आतंकवाद कहना से कोई चाहता रिश्ता हूं है कि आज आपका? जब, आपके पेट में, सर में, मुंह में क्यों दर्द दे रहा है? अरे भाई देखे तालिबान के बारे में बोल रहा हूं, इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रतीक आपको जी यही आरएसएस बताता है के ना मैं कि बोल रहा हूं, तुम्हें देखिए क्यों दर्द जो दे रहा है? नसीरुद्दीन शाह ने बोला है आज उसका, आप प्रतीक जी 10 सेकंड इनके फेडर को डाउन करेंगे वरना ये बीच बीच में बोलते रहेंगे, दर्शकों को भी नहीं समझेगा। प्रतीक जी आज केवल नसीरुद्दीन शाह ने, चाहे वो कलाकारी करते हुए या एक एक्ट करते हुए ही सही, आज उन्होंने, आज भारत में जो तालिबान का जश्न मनाने वाली तालिबान 2.0 के प्रवक्ता है उनका चेहरा उजागर कर दिया है और उसमें से एक बैठे हैं हमारे साथ। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, जब बात इस मुसलमान ने की, वो कह रहा है कि मुसलमानों को मॉडर्न होना चाहिए, तो बार बार हिंदुओं को गाली देने की नौबत क्यों आ रही है? कह रहे कि देखो हिंदू समाज ये कर रहा है, हिंदू समाज वो कर रहा है, हिंदुओं में ये है, हिंदुओं में वो है, वो तो आगे आरएसएस बढ़ के चुके हैं, आतंकवादी हिंदू उन्होंने नहीं तो है, बहुत सारे रिफॉर्म मैं किए, पर आप आरएसएस रिफॉर्म के करने के आतंकवादी तैयार क्यों हिंदू नहीं नहीं है? है, हिंदुत्व इलियास वाले हिंदू नहीं इलियास है, शराफुद्दीन साहब, हिंदुत्व वाले इलियास आतंकवादी शराफुद्दीन हिंदू साहब, नहीं ना है, ना 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 उनका ना, हिंदू लोगों से कोई आई ताल्लुक नहीं वोंट है। अलाउ यू, आई वोंट अलाउ यू, ये गलत है कहना किसी के, किसी संगठन को कहना गलत है। ऑडिट डाउन जी, मौलाना पीर अली कादरी साहब जी, आपने हाथ उठाया जी, मौलाना पीर अली कादरी साहब, जनाब देखिए साहब, जी जनाब, जी जी कह रहा बोल रहा हूँ साहब। पहली बात तो ये है कि तालिबान की ना हम आइडियोलॉजी के खायल है, ना हिंदुस्तानी मुसलमानों को तालिबान से कोई ताल्लुक़ है। राइट सर, हम उनसे अपना किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखते हैं, ना हमको रखना है। राइट सर, रही बात नसीरुद्दीन शाह साहब का बयान, कि नसीरुद्दीन शाह ने ये कहा कि हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है, वहाँ का इस्लाम अलग है, तो यहां पर थोड़ा शाह साहब को करेक्शन करना चाहिए। सारी दुनिया में एक ही इस्लाम है, चाहे किसी कस्बे में हो, खेड़े में हो, देश में हो, सिटी में हो, कहीं पर भी हो, इस्लाम एक ही होता है। और दूसरी बात, जो मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, और जहां तक के तालिबान का जो तो पास्ट ये गुजरा है जो ना, अफगानिस्तान में हो रहा है वो तालिबान के क्या है? पास्ट की हम ताइद नहीं करते। कहां पर, क्या बोले आप, प्रेजेंट बोलिए। में तो बहुत अच्छा कर रहा है उन्होंने क्या कहा है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो क्या है, जो नहीं, अफगानिस्तान में प्रेजेंट हो में रहा है तो वो बहुत क्या है। अच्छा कर रहा है प्रीति हाँ जी, मौलाना सुनिए, साहब से वो मेरा बहुत अच्छा हो सवाल। रहा है, सह शिक्षा सुनिए बंद हो सुनिए रहा है, प्रीति लड़कियों जी, को अफवाह कर रहे हैं, ऑडियो सुनिए साइड प्रीति सुनिए, जी, देखिए मैंने बंद बीच में नहीं बंद बोला, बंद मेरे बीच में एक कोई बंद नहीं बंद बोलेगा, वो वही जनाब बोल रहे, मौलाना मैं इनको पीर अली खामोश बोल रहे हैं, बिठाइए आप, मौलाना पीर अली बोल रहे हैं, मौलाना मौलाना पीर अली बस बोल रहे हैं, वही खामोश बोलेंगे बिठाइए। जी। ये नागपुर की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करो, बोलिए उनको, वो नागपुर की स्क्रिप्ट पढ़ने आते हैं डिबेट पे सिर्फ। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो अच्छा, और तालिबान का माजी आप था, काबुल पास कांदाहार था, का लेकर हम बैठे उसकी हैं वो ताइद क्या? कभी नहीं करें, कभी नहीं। अरे बक बक बंद करो, बीजेपी के आरएसएस सुधर के गया एजेंट, पहले तालिबान, मुझे सुधर बोलने गया दो। नहीं, गाली मौलाना नहीं, अर्शद मदनी नहीं, ने, बहुत बहुत तालिबान सभ्यता के सुधर साथ, गया क्या? बहुत बहुत सभ्यता के साथ, ना 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 ना, बहुत सभ्यता के साथ ना, सुनिए सैयद यासर जिलानी मौलाना को सुनिए, समझाइए मैं आ रहा हूं, क्या माजिद हैदरी भाई आ रहा हूं, पैजामे में रहे माजिद, मौलाना, माजिद भाई मैं आ रहा हूं, यू हैव टू वेट, माजिद भाई यू हैव टू वेट,
यू हैव टू वेट। या अगर तालिबान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर तालिबान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा देश सक्षम है अगर, उसको यूएपीए में ऐड करे, उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। क्यों नहीं कर रहे हम? फौरी तौर पर करे। सैयद यासर जिलानी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो देखिए आप। सैयद यासर जिलानी, सैयद यासर मैं आ रहा हूँ, सैयद यासर जिलानी। जी जी, इन ये जो जज्बाती भाषण दे रहे हैं मौलाना, इनसे सवाल है मेरा। दो दिन पहले मौलाना अरशद मदनी ने इनके घर की लड़कियों को कहा है कि वो अगर एजुकेशन सबके साथ लेंगी तो उनसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि वो कौन सा इस्लाम है? बराबर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। कौन सा इस्लाम है? अरशद मदनी ने जो बयान दिया है वो कोई विवादित बयान नहीं है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए बात की, देखिए ये एजुकेशन हर लड़की जो मकारी है ना, इसकी वजह से मुसलमान आज हाशिए पे है। ये मकारी है आपकी, ये आपके सिलसिले के जो मुसलमान आपको देख रहे हैं आपसे सवाल करेंगे, ये मकारी है, ये मकारी है, ये मकारी है। आपके सिलसिले के जो मुसलमान हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि इनकी औकात देखिए। ये मौलाना जो है, ये मौलाना आपके घर की बहनों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, आपके घर की औरतों को नौकरानी बना के रखना चाहते हैं, और ये समर्थन कर रहा है मौलाना बैठ के टीवी चैनल पे, उस मौलाना की जिस मौलाना ने आपके घर की बहनों को नौकरानी बनाने की बात कही। बेवकूफ तो मौलाना आज आप हो गए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन बेवकूफी कर रहा है। मैं सिलसिले के लोगों से कह रहा हूँ, जो चिश्तिया सिलसिले के लोग हैं, के हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए इस मौलाना को, चेहरे को पहचानिए कि किस तरह की बात करते हैं ये टीवी पे आके। ये वही लोग हैं जो यासिर आराम से, आराम से मौलाना, ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने इनसे सवाल पूछा पर मैं ये बात ये सुनिए, आपको जो मैंने इनके हक की बात करी है वो हक की भी बात नहीं कर सकते तो ये अपने आप से इंसाफ नहीं कर सकते। ये तालिबान पे बहस करने बैठे, तालिबान की बात जब भारत में होती है तो ये उनके समर्थन में। आप सुनिए ठीक, वन बाय वन मौलाना, मौलाना मौलाना ये बात दरअसल ये है, सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि जी मौलाना अरशद मदनी ने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने लड़कियों की आप अगर ये बात को गलत कह रहे हैं और जो तो हमारे कहीं देश में इस्लाम की जो हालात पेश आ रहे हैं हजरत आयशा और उन्होंने कहा और यकीनन हमारे अपने मुल्क में वुमेन्स कॉलेज बनना चाहिए, वुमेन स्कूल बनना चाहिए। मौलाना 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 की ऑडियो डाउन, मौलाना डाउन, यासिर मौलाना यासिर दोनों की ऑडियो डाउन, मौलाना यासिर दोनों की ऑडियो डाउन। यासिर आपने एक सवाल पूछा, जब आप ये कहते हैं तो हजरत खदीजा, आयशा, हजरत आयशा और इनके कंट्रीब्यूशन को आप कैसे कैसे नकार देंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा है मौलाना, जवाब दीजिए। पीर अली कादरी सर, किसने नकारा, किसने नकारा? हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआलाना, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआलाना का कंट्रीब्यूशन है, इस्लाम पर इनका एहसान है, हम ये मानते हैं। इसको किसने कहा कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है? लेकिन जो शरीयत है, जो इस्लाम की तालीमात है, उसमें रहते हुए आप हायर एजुकेशन हासिल कीजिए। आप चंद 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 चीजों के लिए मत अपने अपनी जो आपकी सोच है, आपकी अच्छी सोच है, उसको मत खत्म करिए। ये लोग देखिए मौलाना मौलाना अरशद मदनी और औरतों को टारगेट कर रहे हैं, बहनों को टारगेट कर रहे हैं, पूरे भारत की बहनें उनको गुलाब का फूल भेज रही है क्योंकि वो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं न्यूज 18 इंडिया के तमाम व्यूअर्स से, मुस्लिम बहनों से अपील करूंगा कि इन मौलाना साहब को भी गुलाब भेजिए, ये ज़हनी तौर पे बीमार हो